इस नए नवेले पुल में पड़ी दरारों को देखिए। ये तस्वीरें हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद कौशाम्बी की, जहां पर 292 करोड़ की लागत से बने क्रांतिकारी दुर्गा भाभी सेतु में दरारें व सड़क धंसने से राजनीति गर्मा गई है। और इस बार सत्ताधारी पार्टी के नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर उन्हीं के क्षेत्र से सपा विधायक पल्लवी पटेल ने गंभीर आरोप तक लगा डाले हैं। पल्लवी पटेल ने बिना नाम लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लिखा कि मैं शुरू से कह रही हूं कि उत्तर प्रदेश में निर्माण एवं ठेका पट्टा में एक संगठित ग्रोह सुनियोजित ढंग से लूट कर रहा है, और मेरा आरोप सीधा सरकार के एक उप मुख्यमंत्री पर है। वास्तव में वो ठेकेदार मंत्री है और इस समूह का सरगना है। बता दें कि दुर्गा भाभी गंगा नदी पर बने इस पुल को चालू हुए अभी सिर्फ 9 माह ही हुए हैं कि उसमें अब दरारें आने लगी हैं। सिराथू तहसील क्षेत्र के शहजादपुर गांव में कौशाम्बी जिले से प्रतापगढ़ जिले की दूरी कम करने के लिए लोगों की मांग पर ये पुल बनाया गया था। करोड़ों की लागत से बने इस खूबसूरत पुल में तकनीकी खराबी के चलते रेलिंग के बगल वाले एरिया में दरारें आ गई, और इतना ही नहीं सड़क भी धंसने लगी। इस बात की जानकारी जब राज्य सेतु निगम के अधिकारियों को हुई तो उन्होंने सीमेंट का लेप लगाकर दरारें छिपाने की कोशिश की। हालांकि सीमेंट का लेप के बावजूद दरारें फिर से दिखने लगी, इससे अधिकारियों की चिंता और बढ़ गई। प्रतापगढ़ जिले की ओर से जैसे ही सीसी रोड समाप्त होती है तो बिटुमेन की सड़क धंसती हुई दिखाई देती है, जिस पर सेतु निगम के कर्मचारियों ने बालू की बोरी भरकर डाल दी है, जिससे राहगीरों को अब और भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो राहगीर अपने गाड़ी का बैलेंस खोते खोते बचते हैं। कथित तौर पर लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि इस पुल पर लगातार ओवरलोड वाहन गुजरते हैं, जिसके चलते पुल में दरारें आ गई हैं। बता दें कि इस पुल को चालू हुए अभी सिर्फ 9 महीने ही हुए हैं। रोड धसी हुई है, पुल के बाद नई रोड बनी है और लोड गाड़ी निकलने से मिट्टी नीचे बैठ गई है। कहे के ओवरलोड है, बालू मोरंग ट्रक ओवरलोड निकलती हैं, इसीलिए बैठा है ये। अभी कितने दिन चालू हुए पुल को? अरे ज़्यादा से ज़्यादा इसको 8-9 महीने हुए चालू हुए। अच्छा, तो वहीं जब पल्लवी पटेल के इस जुबानी हमले पर डिप्टी सीएम से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस बात का जवाब देना उचित नहीं समझता हूँ। शहजादपुर में ओवरब्रिज में दरार आई है, पल्लवी पटेल आई होगी, अरे का जवाब ट्वीट किया है सर, उन्होंने कहा प्रदेश का एक डिप्टी सीएम लूट घसोट गिरोह का सरगना है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है सर। इस पर मुझे जवाब देना उचित नहीं लगता। फिलहाल पुल में आई दरारों को देखकर लोग काफी चिंतित थे कि आखिर इतनी जल्दी पुल में दरारें आई कैसे, अब यह सवाल लोगों में बना हुआ है।